हे गाइस, मेरा नाम है नवीन। एंड गाइस, आप देख पा रहे हैं ये है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन 2022। तो गाइस, आज इसकी फर्स्ट सर्विस यहाँ पे होने वाली है। तो आज मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि इस सर्विस के दौरान मुझे कितने रुपए का खर्चा पड़ा था, एंड उसके बाद में इसके साथ क्या कुछ चेंजेस किए हैं, क्या कुछ ठीक हुआ है या फिर नहीं हुआ है, सर्विस के बाद या सर्विस से पहले क्या था, तो वो सब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो गाइस, बने रहिए यूट्यूब वीडियो पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अगर आपको कोई और कमेंट या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो ये है हमारा फिल्टर, जो कि बड़ा वाला, जो सबसे बड़ा जो फिल्टर है वो ये वाला है, जो कि लेफ्ट साइड में रहता है। यहाँ से इन्होंने निकाला है, ये ऑक्सीजन फिल्टर या फिर होता है, मतलब कि हवा आने के लिए एयर फिल्टर कहते हैं इसे, एयर फिल्टर है ये। और इसमें टोटल तीन फिल्टर्स होते हैं, एक नीचे होता है मोबाइल के नीचे, एक अपर साइड में होता है बैक साइड में, तो यहाँ पे भी फिल्टर होता है। तो आप देखते जा रहे हैं यहाँ पे, ये जो भाई साहब है हमारे, ये इंजीनियर हैं, तो यहाँ पे ये ठीक कर रहे हैं, गाड़ी को सर्विस कर रहे हैं। जो जो आइटम यहाँ पे लगे हैं या फिर इन्होंने जो किट दी है मुझे, वो इस वीडियो में आपको दिखाई दे रही है। तो गैस, इन्होंने एक किट मुझे दी थी कुछ 690 के आसपास का था उसका प्राइस, वो भी प्राइस आपको मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। तो इस किट में क्या था, एक तो आपका फिल्टर था, और ये जो फिल्टर है ये आपका ऑयल फिल्टर के पास लगता है, ऑयल फिल्टर ही है ये। और इसके साथ में आपको एक सीलेंट मिलता है, सीलेंट जो कि चिपकाने के लिए होता है। ये जो सीलेंट है ये कुछ 200 रुपये के तकरीबन होता है, 200 के आसपास का, रॉयल इनफील्ड की ब्रांडिंग के साथ आता है। तो ये इस फिल्टर को ऑयल में डुबा रहे हैं, उसके बाद इसको लगाएंगे। तो कैसे, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सर्विस जो हो रही है ये कौन सा लोकेशन है। ये मेरे राजस्थान भरतपुर का एक बचामदी मोटर्स का ये रॉयल इनफील्ड का शोरूम है, उसके नीचे आपको यहाँ पे ये सर्विस सेंटर मिल जाता है, ये अटैच है उसके साथ में। तो गैस, यहाँ पे हमने सर्विस करवाई है अपने बाइक की, तो ये सर्विस हो रही है। इस दौरान अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो गैस, इन भाई साहब ने ये पैक कर दिया है, तो अब यहाँ से मोव्यूअल मतलब निकालने, मतलब डालने वाले हैं, निकाल तो इन्होंने लिया है, ठीक है। नीचे आप देख सकते हैं वो ब्लैक ब्लैक में मोव्यूअल रखा हुआ है, पहले से वो निकल चुका है। तो इन्होंने जो है इसका मोव्यूअल का नीचे वाला जो फिल्टर होता है वो भी निकाल दिया है, कैसा बोलते हैं। तो ये इन्होंने साफ कर दिया, अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन हो चुका है। पहले जो आता था वो प्लास्टिक, सॉरी वो पेपर में आता था, तो वो मतलब फट जाता था, मतलब बेकार हो जाता था। तो अब ये प्लास्टिक में आया है, प्लास्टिक प्लस मेटल में, तो ये अब अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा मोवी ऑयल दिखाई दे रहा है आपको। ये जो रबड़ है ये आपके इस साइड सेट होने वाली है, और ये इंजन का कैप खुलेगा फर्स्ट टाइम में। और ये भाई साहब जो है अभी फिल्टर सेट कर रहे हैं, जो नीचे का जो नट है इसे टाइट कर देंगे, और इस साइड से इन्होंने जो ऑक्सीजन जो एयर फिल्टर था वो भी यहाँ से पैक कर दिया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं गाइस, मैंने इस वीडियो को एक मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक बनाया था, तो मैंने इसको बीच में से कट कट करके आपको शॉर्ट फॉर्म में दिखाने की कोशिश की है कि इन्होंने क्या कुछ किया था सर्विस के दौरान, क्या कुछ इसमें चेंजेस किए हैं। और मैं आपको दिखाना चाहता था कि इस वीडियो में आपको फर्स्ट सर्विस में क्या कुछ चेंजेस देखो मिलते हैं। तो ये जो छोटू है यहाँ पे डाल रहा है मोव्यूअल, जो कि मोव्यूअल आता है रॉयल इनफील्ड की तरफ से। मोव्यूअल की जो फोटो है वो शायद मैं आपको सेंड कर दूंगा, नहीं कर पाया तो कोई दिक्कत नहीं, आप देख सकते हैं नेट पर भी मिल जाएगा मोव्यूअल रॉयल इनफील्ड क्लासिक का। क्लासिक का तो नहीं है बट रॉयल इनफील्ड का ही आता है वो सब में डलता है, ठीक है। तो ये छोटू जो है तकरीबन 1.65 या 75 के आसपास यहाँ पे मोव्यूअल डालने वाला है, तो ये इतने मोव्यूअल डाल रहा है। तो ये भाई साहब साइड से ये सीट कवर जो है, सीट जो है हमारी, ये खोल रहे हैं, जिसके बाद ये हमारे टैंक को जो है, टैंक जो है पेट्रोल टैंक, उसे भी खोल देंगे, फिर जाके वो इंजन की सर्विस करेंगे। अभी इंजन में सिर्फ मोव्यूअल डाल रहे हैं, उसके बाद में इंजन का जो टैपेट होता है वो सेट करने वाले हैं। तो गाइस, बने रहिए, अब आप देख पाएंगे इसके बाद की जो क्लिप आने वाली है कि इसमें टैपेट कैसे इन्होंने सेट किया है, कैसे इंजन को वो अपर साइड से खोला है। तो यहाँ से पहले तो इस टैंक को खोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर एक मोटर आती है जो कि फ्यूल मोटर है, उसका वायर जो निकाल रहे हैं यहाँ से डिस्कनेक्ट करना पड़ता है, वरना आप सीधे उठा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये वायर सब पहले से निकाल रहे हैं, और पेट्रोल इसमें ज़्यादा भरा हुआ है इसलिए थोड़ा भारी सा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर आपको कुछ भी कमेंट सुझाव है तो मुझे कमेंट करें। तो गाइस, यहाँ से इन्होंने ये जो कैप है ये खोल दिया है, और ये जो आप देख पा रहे हैं ब्लैक कलर की जो यहाँ पे एक लाइनिंग आ रही है, जो रबड़ आ रही है,
ये इसकी मतलब सीलिंग है, अगर ये हम नहीं डालेंगे तो इसमें से मोबिल या कुछ और कुछ लीकेज होगा, ठीक है। तो ये है इसकी सील, और इस सील को ये हटाएंगे, फिर नई वाली जो सील है वो डालेंगे यहाँ पे। और ये भाई साहब जो है इस कैप को थोड़ा पोंछ रहे हैं कि इसके अंदर कुछ मिट्टी या धूल मिट्टी नहीं जाए। और ये छोटू जो है इसका जो टैपेट है वो चेंज कर रहा है, टैपेट सेट कर रहा है, टैपेट इन्होंने सेट कर दी है, जो टैपेट चेंज होती है ये इन्होंने सेट की है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं ये इन्होंने नया डाल दिया यहाँ पे, जो सील है पहले वाली हटा दी थी और नई वाली डाल दी है, ठीक है। तो ये छोटी अब इस टैपेट को सेट कर रहा है, आप देख पाएंगे तो थोड़ा थोड़ा अंतर आएगा। देखो तो चेन है ना वो घूम रही है, देखो जरा अपर साइड में आपको दिखाई दे रहा है, तो ये घूम रही है, तो टैपेट सेट हो रहे हैं, तो कितना लूज था ये पहले, ठीक है। तो ये यहाँ पे सीलेंट डाल रहे हैं भाई साहब, और अब ये है हमारा इंजन। और अब इसके बाद आ गई सीलन डालने के बाद इस इंजन के जो टैपेट हैं, जो कि इनका फ्यूज होता है उसको थोड़ा ये रफ करेंगे, उसके बाद ये आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे रबर डाल रहे हैं वे भाई साहब। तो छोटू क्या है एक पत्ते जैसा कुछ आइटम है उसे लेने, तो फिर देखते हैं क्या करता है छोटू। तो कैसे का जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही मजबूत है, इसलिए कहते हैं रॉयल एनफील्ड जो बंदा लेता है आने वाले 10 साल तक उसे कोई और गाड़ी लेने का मतलब नहीं पड़ता है। तो ये यहाँ पे कुछ फ्यूज जो है इन्हें सेट कर रहा है, हो सकता है ये टैपेट के कुछ आइटम है, मुझे तो इतना मालूम नहीं है, अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट करें मुझे। तो ये कुछ पत्ती यहाँ पे डाल रहा है और इसे घिस रहा है, यहाँ से उस साइड से भी घिसने वाला है, उस साइड में भी ऐसे ही एक एंटीना सा है तो उसे भी ये घिसेगा। ये उस टाइम मैं देख रहा हूँ कि सीधे इंजन ही खोल दिया है, तो ये चीज़ सही नहीं लगी मुझे रॉयल इनफील्ड की। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये सर्विस सेंटर वालों की, ये मुझे रॉयल इनफील्ड जो कंपनी है उसी की चीज़ सही नहीं लगी, सीधे इंजन ही खोल दिया फर्स्ट सर्विस में। ये अपर साइड की जो कैप होती है वो खोली है, कुछ लोग सोचेंगे भाई पूरा इंजन खोला है, पूरा इंजन नहीं खोला है, इन्होंने सिर्फ कैप ही खोली है इस इंजन की। जो इनका कहना है कि फर्स्ट टाइम में टैपेट सेट होते हैं, उसके बाद आप लाइफ टाइम तक मतलब कि जब तक आपका इंजन बैठेगा नहीं, जब तक आप चलाओ सर्विस कराते रहो, मोबिल चेंज होगा बस और कुछ फिल्टर चेंज होंगे, उसके बाद आपका जो खर्चा बैठेगा वो आपका मिनिमम 800 से 900 रुपये बैठता है सर, जो नेक्स्ट जो सर्विस आने वाली है उसमें। तो ये जो छोटू है इसे जो पत्ते से जो है उसको साफ कर रहा है, उसके बाद ये इसको पैक कर देंगे, फिर बस हमारी गाड़ी सर्विस हो चुकी है। अब गैस मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे कितना चार्जेस गए हैं, मैंने इसमें अभी चेन की क्लीनर के लिए स्प्रे नहीं लिया था, मैंने मना कर दिया था, 192 के आसपास का ये दे रहे थे और वो मैंने नहीं लिया। और मैंने इसमें टोटल जो पे किया वो है 1500 रुपये, 1500 रुपये मैंने पे किया था। उसमें क्या था आपका, एक तो सर्विस किट थी, एक आपका सलूचन जो आता है जो बोलते हैं रॉयल इनफील्ड जो कहता है उस भाषा में, मतलब अपनी भाषा में तो वो सलूचन ही है, सलूचन मतलब चिपकाने का सिस्टम जो होता है, तो सलूचन था, दो चीज़ें तो एक थी। उसके बाद इसमें एक आइटम और था गाइस, मैं आपको लिस्ट जो है वो यहाँ पे सेट कर दूंगा फोटो में, तो उसे आप देख पाएंगे कि क्या था क्या नहीं था, वो आप पढ़ सकते हैं। और अभी हम इस कैब को यहाँ से ये जो भाई साहब हैं ये यहाँ पे सेट कर रहे हैं, तो कैप क्लोज होने के बाद में गाड़ी के ऊपर ये टैंक लगाएंगे और ये पैक हो जाएगा। एंड उसके बाद जो हुआ था वो मैं अभी इसके साथ में आपको बताना चाहूँगा। जब गाड़ी पैक कर दी थी इन लोगों ने, तो उसके बाद गाड़ी का क्या है, इन्होंने टेस्ट किया था, टेस्ट ड्राइव के अनुसार उस टाइम गैस मैंने इनको बोला था कि भाई जो मेरी ABS है वो वर्क नहीं कर रही है रेड इच रेड वेरियंट में, तो ये पहले से नहीं हो रहा था, वैसे तो हो रहा था बीच बीच में नहीं हो रहा था, तो इनको बोला अपडेट कर दो, अपडेट किया वो, इन्होंने अपना गैजेट डाला था इसके अंदर पेन ड्राइव से जो भी होता है इनका वायरलेस जो भी है, तो उससे भी ये नहीं हुआ नहीं सेट हुआ। तो इन्होंने बोला इन भाई साहब ने जो है जो काम कर रहे हैं हमें, इन्होंने बोला कि भाई अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा या फिर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर लेना, इनका कहना ये था। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अपडेट आता है तो अच्छी बात, नहीं आता तो हम आ जाएंगे। तो गाइस रेड इच रेड जो वेरियंट है इनमें तो अभी तक नहीं आया अपडेट ABS का, तो ABS तो इसमें है नहीं, तो वैसे तो है बट ABS एक्टिव नहीं है, डी एक्टिव है बट हो सकता है कुछ फॉल्टी हो कुछ मेरे ही वेरिएंट में, तो वो तो देखना पड़ेगा। वैसे ये फर्स्ट सर्विस में ये हुआ था मेरा सॉल्यूशन, और इससे इंजन में से जो साउंड आ रही थी जो थोड़ी बहुत चेन जैसी साउंड आ रही थी वो क्लीन होगी, अब कोई दिक्कत मुझे यहाँ पे दिखाई दे नहीं रही है। तो वैसे आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नेक्स्ट वीडियो बने रहें, एंड बाय।